चलो आज फॉर्मूला चार्ट बना लो, फिर उसके आगे बात करेंगे। सबसे पहले सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। प्रोडक्ट टू सम, टू कॉस ए साइन बी, यहां माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था, ऊपर नीचे माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है बट बनता कॉस से है, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। नोट करो जल्दी जल्दी। Done? Yes, sir, done. अगर इसी में माइनस आ गया तो यहां कॉस आ जाएगा, यहां साइन आ जाएगा। ये अगेन बिल्कुल थोड़ा अनयूजुअल फॉर्मूला है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और अगर माइनस को अंदर रखना है तो डी माइनस सी लिखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, साइन टू थीटा में एक स्पेशल फॉर्मूला भी लिखा देता हूं।
साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा होल मॉड। मॉड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा मॉड एक्स होता है, क्योंकि अंडर रूट का आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, इस वजह से हम मॉड लगा रहे हैं। अब मॉड हटाने के लिए हमको थीटा की जो वैल्यूज गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो अगर हमको अंडर रूट में वन प्लस अंडर रूट में वन माइनस साइन टू थीटा को एक्सपैंड करना है, वे थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय फोर, तो उस केस में ये जो बनेगा ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आएगा मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। In order to remove the mod, we will write cos theta minus sin theta because of the simple reason that theta, अगर 0 से pi by 4 में है, तो cos theta minus sin theta positive होगा, not sin theta minus cos theta. Okay, next is your cos 2 theta formula, which is very very important. इसमें काफी तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये तो सीधे सीधे हो गए, अब इनके रिवर्स ऑर्डर भी याद करने पड़ेंगे आपको। साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, cos square theta is 1 plus cos 2 theta upon 2, and tan square theta is 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. पूरा लिस्ट बना लीजिए, जो आपको याद है अच्छी बात है, जो नहीं याद है उन पे स्ट्रेस डालिए, याद करने हैं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्री में, कहीं भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रल्स में, लिमिट कंटिन्यूटी में, बहुत जगह ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। डन? यस सर। कोई कुछ कह रहा था, बाकी है अभी? ओके, नेक्स्ट इज टैन टू थीटा। सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आते हैं थ्री थीटा फॉर्म। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहीं से हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। बेसिकली आइडिया ये कि इधर से एंगल जो इधर होगा वो हाफ होगा, बस इतना है। तो इसी को हम मल्टीपल एंगल और हाफ एंगल दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा अब आते हैं थ्री थीटा फॉर्म्स में। थ्री थीटा फॉर्म में सबसे पहले आ जाएगा साइन थ्री थीटा, दैट इज थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। यहाँ से एक फॉर्मूला और डिराइव कर रहा हूँ, साइन क्यूब थीटा, ये इंटीग्रेशन में काफी जगह काम आता है और भी जगह आ सकता है। थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा डिवाइडेड बाय फोर, सेकेंड इज कॉस थ्री थीटा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, एंड कॉस क्यूब थीटा is equal to cos 3 theta plus 3 cos theta whole divided by 4,
एंड टैन थ्री थीटा, टैन कैसे थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत जगह पे आसान हो जाएंगी। हो गया? Yes, sir. सबने नोट कर लिया? ओके, नाउ सम स्पेशल डिराइव्ड फॉर्मूलास। ये कुछ एक्सप्रेशंस बता रहा हूँ, वेरी ब्राइट चांसेस कि इनमें से कोई दिख सकते हैं आपको, ये ज्यादा पॉपुलर है, आ जाते हैं। तो इसमें पहला सेट है साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा साइन ऑफ 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। यहीं पे साइन की जगह अगर कॉस आ जाता सब जगह एज इट इज, ये भी cos 3 बन जाता 1/4 cos 3 थीटा, और अगर सब जगह tan आ जाता तो ये सिर्फ tan 3 थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं, जैसे बोल दिया sin 10 डिग्री sin 30 डिग्री sin 50 डिग्री sin 70 डिग्री ऐसे दे दिया, बोला इसका एक वैल्यू निकालो, और इसकी वैल्यू कहीं जरूरत है कहीं कुछ है कुछ इस तरीके। तो देखो साइन 30 तो वैसे ही हाफ होता है, 10 को हम अगर थीटा मान ले तो ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है, तो ये सीधा सीधा 1/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 3 थीटा यानी साइन 30 हो जाएगा, तो 1/8 1/16, तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1/16 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ऐसे फॉर्मूलाज को वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस आ सकते हैं जहां ये यूज हो, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। नोट करिए जल्दी से, डन? यस सर। ओके, अगर कॉस में ऐसे डबल डबल होता जाए, इसका सीधा फॉर्मूला साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n साइन थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ n माइनस 1 आएगा तब यहाँ n आएगा, ठीक है? और ये सिर्फ डबल होने के लिए अप्लाई होता है, और किसी के लिए अप्लाई नहीं। अगर साइन में एंगल्स एपी में हो और अगर सेम फॉर्मूला यहाँ पर कॉस में होता, कॉस में एंगल एपी में होते, तो सिर्फ ये वाला बड़ा वाला एंगल का साइन की जगह कॉस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, नथिंग विल चेंज।
डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखिएगा, cot theta माइनस 2 टू द पावर n cot 2 टू द पावर n theta. इसको ड्राइव करने का ये तरीका होता है कि पहले वाले tan थीटा के साथ cot थीटा प्लस और माइनस में लिख के फिर tan थीटा माइनस cot थीटा करके उसको सॉल्व करते चले जाते. हो गया जी? Yes, sir, done. बहुत सिलेक्टेड दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, बहुत सिलेक्टेड. तो देखो पहले जो थ्री थीटा तक फॉर्मूला दिए वो तो कंपलसरी है, उनमें तो कुछ नेगोशिएशन ही नहीं. उसके बाद जो मैंने ये आपको अभी देने शुरू करे ये सारे फॉर्मूलाज, दीज आर एक्चुअली आई एम गिविंग यू वेरी पॉपुलर एक्सप्रेशन. इनमें से कोई अगर आपको दिख जाता है कहीं भी किसी भी फॉर्म में, दे मे नॉट बी द एंटायर क्वेश्चन, दे मे ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो दे विल हेल्प यू यू नो प्रोसीड इन द क्वेश्चन. अगर एंटायर क्वेश्चन हो तो दैट इज योर लकी डे कि हाँ आपको पूरी चीज पूरा कॉन्सेप्ट पता है और एंटायर क्वेश्चन ही उस पर बेस्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं. अच्छा इसके बाद एक चीज और करा देता हूँ, एक वैल्यू चार्ट और बनवा देता हूं. देखो ये वैल्यूज का भी देखिए, पहले 0, 30, 45, 60, 90 से काम चल जाता था, बट एज थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड तो देर आर क्वाइट अ फ्यू न्यू सेट ऑफ एंगल्स विच हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, जिनका भी बहुत ज्यादा यूजेज हो गया है. एंड आई मीन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको उनकी वैल्यूज याद हो, अगर याद है तो आपको सर्टनली कहीं हेल्प मिल सकती है. तो मैं उसी सेट में पहला बता रहा हूँ, 18, 36, 54, 72, 90. दिस इज द फर्स्ट सेट. अब इसमें एक 90 ही मालूम है तो 90 से ही स्टार्ट करेंगे हम. हम ये कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 18, मैं ये कि आपको डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा सा ही डेरिवेशन है, कोई ज्यादा नहीं है. उल्टा कर दिया, एक माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाय फोर. अच्छा अब इसमें ऑब्वियसली बात है, ये हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, मतलब हम साइन 18 डिग्रीज निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव नहीं आना चाहिए. इसका मतलब साइन 18 डिग्रीज का जो वैल्यू हो जाएगा वो एक्चुअली हो जाएगा रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर. ठीक,
इसी साइन 18 से हम कॉस 18 निकाल सकते हैं यूजिंग ऑब्वियसली द बेसिक आइडेंटिटी, ये रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 विच इज 1 बाय 4 अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से बात समझ लो, जैसे साइन 18 और कॉस 18 निकाला है, तो साइन 36 और कॉस 36 जो आते हैं इनके बिल्कुल रिवर्स आते हैं। रिवर्स मतलब जैसे अगर हमको साइन 36 का वैल्यू चाहिए, सो इट विल बी 1 बाय 4 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5, यानी कॉस 18 का उल्टा, और cos 36 will be root 5 plus 1 by 4. ये cos 8, cos 36 sin 18 का conjugate है और sin 36 cos 18 का conjugate है, तो इस तरह से नहीं याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एक याद है तो बाकी चीजें बना सकते हैं। अच्छा, अगर sin 18 और cos 18 मिल गए, साइन 36 और कॉस 36 मिल गए, तो 18-36 कंप्लीट होती है, आपका 54-72 भी ऑब्वियसली कंप्लीट हो गया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, और 90 तो वैसे ही पता है। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस सेट। नोट करिए इसको जल्दी से। सर वो हमने साइन 18 की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस 5 रूट 5 निकाली है, तो फिर आगे हमने साइन 18 इज इक्वल टू ये क्यों लिखा है बेटा? माइनस 1 माइनस रूट 5 नहीं हो सकता ना, नेगेटिव आएगा। साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है सर। ये समझ में आया? यस सर। नोट कर रहे हैं सब लोग? सर वी विल फाइंड साइन 54 बाय द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, वेयर ए विल बी 36 डिग्री एंड बी विल बी 18 डिग्री। क्यों? साइन, अगर आपको साइन 36 मालूम है तो कॉस 54 नहीं पता आपको ऑलरेडी, और कॉस 36 इज साइन 54 कॉम्प्लीमेंट्री। ओके सर, ओके सर, 90 माइनस थीटा वाला। ओके सर, हो गया यहां तक? यस सर। ओके, अब आ जाते सेट टू पे। अब सेट टू इज इजी, इतना मुश्किल नहीं है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारा सेकंड सेट है। इसमें से आपको 30, 45, 60, 90 ये सब तो मालूम है, सिर्फ 15 और 75 का हिसाब देखना है। और बेसिकली 15 मिल गया तो 75 खुद ही मिल जाएगा। तो हम साइन 15 डिग्रीज कैसे निकालेंगे? इसे लिखेंगे साइन ऑफ 45 माइनस 30 और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। और सिमिलरली कॉस 15 डिग्रीज कैसे निकालेंगे? कॉस ऑफ 45 माइनस 30 लिख दो और फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। एंड व्हेन यू हैव फाउंड साइन 15 यू हैव फाउंड कॉस 75, व्हेन यू हैव फाउंड कॉस 15 यू हैव फाउंड साइन 75। वैल्यूज निकालो जरा फटाफट। आई विल जस्ट बी बैक इन माय
डन क्या आएगा? यानी चाहिए वैल्यूज चेक करिए जरा. यस सर. डन सर. हो गया जी. यस सर. अच्छा ये तो आपका 15 75 ठीक है. सेट थ्री ट्वेंटी टू एंड हाफ 45 67 एंड हाफ. ऑब्वियसली 45 पता है आपको, ये दोनों पता करने. यहां पर अब देखो एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे. हमें पता है साइड स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - cos 2θ / 2 होता है. थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी. अगर यहाँ अंडर रूट लगा देते इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. वी कैन सिंपली राइट दिस एज 1 - cos 45/2 व्हिच कैन बी रिटन एज √2 - 1/2 √2 होल अंडर रूट. एंड दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज cos ऑफ 67 एंड हाफ. अच्छा अगर cos ऑफ 22 एंड हाफ निकालना है तो ये 1 + cos 45/2 हो जाएगा. This will simply become √2 + 1/2 √2 whole under root, and it can also be read as sine of 67 and a half. Note karo. डन. यस सर. नेक्स्ट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसका भी एक चार्ट बनवा देता हूं और फिर इसके बाद इसी से कुछ और साइन आर -1/1 कॉस आर -1/1 टैन आर -2n + 1π/2 और आर प्लस एक आर -nπ जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है एंड रेंज -∞ to -1 union 1 to ∞ या इसे आप आर --1/1 भी लिख सकते हैं. इट्स सेम थिंग. सेक को वही प्रॉब्लम है जो टैन को है कि कॉस जहां जीरो होता है वहां टैन और सेक दोनों अनडिफाइंड होते हैं. रेंज सेम है. और कॉट को वही प्रॉब्लम है जो साइन को है आर -nπ एंड रेंज इज आर. यही पे एक चीज और लिख लो इनके फंडामेंटल पीरियड्स 2π, 2π, π, 2π, 2π, π. और याद रखना अगर कोई भी साइन के थीटा हो जैसे 2θ, 3θ हो तो इनका जो पीरियड होगा वो 2π/k होगा. मतलब साइन 2θ है तो उसका पीरियड पाई होगा. ऑल्सो अप्लाइज फॉर साइन स्क्वायर थीटा
एंड सिमिलरली फॉर कॉस स्क्वायर थीटा की पीरियड हाफ हो जाता है. सर पीरियड है क्या? पीरियड मतलब जितने देखो, अगर आप साइन का ग्राफ देखते हो तो ये ऐसा बनना शुरू होता है, फिर ऐसा आता है, फिर ऐसे आता है, और एक साइकिल ये कंप्लीट हो जाती है. अब इसके बाद जो साइकिल शुरू होगी वो एग्जैक्टली यही वाली दोबारा रिपीट होने वाली है, राइट? तो ये जो पीरियड है ये 2π का पीरियड है. ऐसे आप टैन का देखेंगे तो -π/2 से π/2 में ऐसा ग्राफ बनेगा, और इसके आगे भी देखोगे तो π/2 से 3π/2 में फिर ऐसा ग्राफ बनेगा. तो इसका पीरियड जो हो गया ये पीरियड ये है पाई. ओके सर. नोट कर लिया ये सब? सर एक मिनट. Yes, done. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कई कई जगह काम आ सकती है. ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा फॉर्म, ये सॉल्यूशंस निकालने में, सॉल्व करने में बहुत जगह काम आएगा. इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि थीटा ना सेम होना चाहिए. ये आगे पीछे हो सकते हैं, साइन का कॉस, साइन की जगह कॉस लिखा हो सकता है, कॉस की जगह साइन लिखा हो सकता है, इट डजंट मैटर. हमें बात करनी है सिर्फ इसकी रेंज की. रेंज मतलब इसका कितना स्पैन है. तो इसका जो रेंज होगा वो -√a² + b² से लेकर √a² + b² होगा. मतलब अगर आपके सामने एक फंक्शन है 2 sin θ -3 cos θ, उल्टा भी लिखा होता ऐसे भी लिख देते 2 cos √13 तक, ये ध्यान रखिएगा. The only thing is the theta has to be same throughout. Theta में चेंज नहीं होना चाहिए और एक्सप्रेशन में और कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. सर इसकी जगह 2 sin 3θ हो या ऐसे हो तो भी होगा. अगर 3θ होता और यहाँ भी 3θ होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं. ओके सर. सेम होना चाहिए बस. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ. f(θ) 3 sin²θ + 5 sin θ cos θ - 6 cos²θ + 4 = 2k + 1. फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k. कुछ इस तरीके का बन जाए. तब देखो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, बट हमें पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा सबको हम साइन हम 2θ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज 3 sin²θ को हम 3 × 1 - cos²θ/2 इसको लिख देते हैं 5/2 sin²θ और इसको लिख देते हैं -6 × 1 + cos²θ/2 और +4 हो जाएगा 3/2 + 4 - 3/2 cos²θ + 5/2 sin²θ - 3 - 3 cos²θ. तो ये कितना हो गया
यहाँ से काट देंगे तो यहाँ बाय टू आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 बाय टू, प्लस 5 बाय टू साइन 2 थीटा, माइनस 9 बाय टू कॉस 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी 25 बाय 4 प्लस 81 बाय 4 प्लस 5 बाय 2, 225 बाय 4 प्लस 81 बाय 4 प्लस 5 बाय 2, ये 5 बाय 2 ये वाला ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 106 बाय 4, 106 बाय 4 यानी 53 बाय 2, तो 5 बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 53 बाय 2 टू 5 बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 53 बाय 2, ठीक है, तो ये वैल्यू रखनी कितनी आ रही है 2.5 माइनस 53 बाय 2 इज 26, 26 का मतलब हो गया 5.1 से लेकर 2.5 प्लस 5.1, थोड़ा इधर लिख रहा हूं इसको, तो हमारा जो 2k प्लस 1 का वैल्यू है वो माइनस 2.6 से लेकर 7.6 के बीच में, तो माइनस 3.6 इज लेस देन 2k इज लेस देन 6.6, तो माइनस 1.8 इज लेस देन इक्वल टू 3.3, तो माइनस 1 0 1 2 3 फाइव वैल्यूज ऑफ k, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज मांगी थी, हो गया जी, समझ आया? यस सर, यस सर। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल कम अक्रॉस। अच्छा, इसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटीज, एक आइडिया दे देता हूं कैसे करते हैं। जैसे आपको बोल दिया साइन ऑफ ऐसे, मान लो आपको बोला है, कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मतलब दीज आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इस तरीके की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, जैसे हमको ये दे दिया तो हम साइन ए प्लस साइन बी लिखा रहने देंगे और सी की जगह पर पाई माइनस ए प्लस बी से रिप्लेस करेंगे, ये कंपल्सरी स्टेप्स है, यही करना है। अच्छा, यहां पर हम हाफ एंगल वो सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना देते और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसे हम टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू इस फॉर्म में लिख देते। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, टू साइन ए प्लस बी बाय टू, और इसे ऐसे लिख दो cos a माइनस बी बाय टू प्लस cos a प्लस बी बाय टू,
a प्लस बी की जगह अब पाई माइनस सी रिप्लेस कर दीजिए, और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डेट इज टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है, और पाई माइनस ये जो साइन पाई माइनस सी अपॉन टू आपको दिख रहा है ये एक्चुअली साइन पाई बाय टू माइनस सी बाय टू है, तो दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू, नोट करो, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, ऐसा कुछ आएगा तो आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे, दो तीन टाइप के बता दे रहा हूं, उनमें से कोई भी आ सकता है। एक साइन का जैसे ये ए बी सी वाले हैं ऐसे एक 2a 2b 2c फॉर्म आ सकता है वो बता देता हूँ, एंड थर्ड इज आपका टैन का कैसे आपको करना है, टैन का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। ये कर लिया? यस सर, डन। अब अगर हमें ऐसे दे देते, अब मैं 2a वाला बता रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? उससे को लिखना रह गया? यस सर। जल्दी करो, चलो कॉस का मैं यही कर देता हूं तब तक। अब cos 2c को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई माइनस ए प्लस बी, तो ये तो एज इट इज रहेगा cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये मैंने इन दोनों से बनाया ऑब्वियसली, और ये एक्चुअली देखो यहां पर लिख रहा हूं जैसे आपके सामने ये लिखा होता cos ऑफ 2 इंटू पाई माइनस थीटा, तो एक्चुअली ये पाई माइनस थीटा नहीं है, ये एक्चुअली cos ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा है, प्लीज ध्यान रखिएगा वो कोफिशिएंट को आप कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बी एक्चुअली कॉस 2 थीटा बिकॉज वी आर गोइंग इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस विल बी कॉस ऑफ 2 इनटू ए प्लस बी, वी नो दैट कॉस ऑफ 2 थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज दिस इज एज इट इज, ये जैसे है प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि कॉस टू थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, तो टू कॉस ए प्लस बी कॉमन ले लो, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और ये माइनस वन बाहर रहने दो। अब इस कॉस ए प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, और ये तो सीधा फॉर्मूला ही है 2 cos a cos b का, as already discussed, cos pi minus c will also be minus cos c, so this will become minus 1 minus 4 cos a cos b cos c, सेम इसी फॉर्मेट से आप साइन का भी डिराइव कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक a वाला बता दिया एक 2a वाला बता दिया। नेक्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड कंडीशनल आइडेंटिटी फॉर tan, टैन का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, टैन इस तरह से नहीं होता है। अगर आपको टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी का वैल्यू पूछा है तो आप इसमें क्या करोगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, so you can also say from here only a plus b is equal to pi minus c. Now apply tan both sides. So this becomes tan of a plus b is equal to minus tan c. Tan a plus b खोल दो तो ये हो जाएगा tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b is equal to minus tan c. इसको RHS में ले जाओ
ये बन जाएगा tan a plus tan b is equal to minus tan c plus tan a tan b tan c. इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c. एक पॉपुलर एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा. अगर a plus b plus c कहीं भी पाए हैं तो इसकी जगह ये कन्वर्जन कर सकते हो, और मोर इम्पोर्टेंटली उल्टा कन्वर्जन भी कर सकते हैं. Done? Yes, sir. ये बहुत शॉर्ट में और मतलब इससे कम में काम नहीं चलेगा. कम से कम इतना आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. आप लोग एक बार इन चीजों को ठीक से आराम से फिर से देखिए. प्रॉबेबली यू कैन रीराइट, रीलिस्ट, कुछ भी करिए, जो भी कर सकते हैं. एंड आज से परसों तक का टाइम इसी में डिवोट करिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करें. एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल एंड मेमोराइज ऑल ऑफ दिस दैट आई टोल्ड यू, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज फॉर एवरीथिंग. एंड द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक अप वन मोर क्लास फॉर ट्रिग्नोमेट्री, वेयर आई विल क्विकली टेल यू अबाउट द इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स के बहुत स्पेसिफिक जो रिजल्ट्स जो काम के हैं, सारे नहीं. सो दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री प्रोबब्ली बाय द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू. ये जितना किया उसको थोड़ा सा बिठाओ दिमाग में. थैंक यू, बाय. थैंक यू सर.